आप सब? आई होप आप भी अच्छे होंगे। और दिन है आज सोमवार का, सुबह का वक्त है और मैं लग चुकी हूँ अपने काम में और आ गई हूँ मैं किचन में शहरी के लिए चाय बनाने। और शहरी भी मेरे पास ही खड़ी है और ये अभी उठी है और ये चाय मांग रही है और इसको बस मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। क्या खाना है? मेरे पहली बार रहेंगे इस चुटिया से। इस चुटिया से शायरी ने ये दो खजूर की चुटिया बनवाई है, ये इसके कर्ली बाल हो जाएंगे, है ना? हाँ, फिर ऐसे दो हिस्से निकालो, उसका साइड का पतला लो, फिर ये वाले ये मोटा लो, मोटे वाले ऐसे करके रूट से वैसे करो। और अब थोड़ी ठंड कम हो गई है इसलिए शायरी ने अभी स्वेटर नहीं पहना है, मैंने पहन रखा है। मैंने सुबह से ही पहना है, जब मैं सुबह उठी थी तो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने हाँ। सुबह शाम की तो ठंड हो रही है, दिन में तो थोड़ी कम हो जाती है। शायरी इसमें पानी लेके आ जाएगा। तो चलिए अब बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। गाइस मैं आ गई हूँ चाय बनाने और ये मम्मा खड़ी है और इधर मैं बनाती हूँ चाय। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे चाय बनाती हूँ। और जब भी ये सुबह उठती है तो जब ये कहती है कि मम्मी आज की चाय मैं बनाऊंगी और ये रोज किचन में घुस जाती है मेरे साथ चाय बनवाने के लिए। लेकिन मैं किचन में ही खड़ी रहती हूँ उसके साथ, इसको गैस में जलाने देती हूँ, ये चीनी पत्ती डालती है और ये हमें कड़वी चाय पिलाती है, कभी कभी मीठी चाय पिलाती है, ऐसी करती है ना, ऐसी अच्छी चाय बनाती है। इसके पापा को इसके हाथ की चाय बहुत टेस्टी लगती है, है ना? बल बहुत टेस्टी बना दी। ठीक है, अब बस चीनी पत्ती डाल लो और कमरे में चले जाओ, बाकी चाय मैं बना के लेके आती हूँ। अदरक तो मैं ही डालूंगा। अदरक ही डालनी है इसमें, तो अदरक डली हुई है इस पत्ती में, सब कुछ मिला हुआ है, अदरक सब चीज है, लौंग इलायची इसमें बस यही है। तो चलिए इतने शहरी चाय बना ली है, फिर चाय बना के क्या करेगी? फिर नहाना भी है, कल तो आप दोनों नहाए नहीं थे, ना पापा नहाए, ना आप नहाए, पापा तो रात को नहाए थे, शायरी नहाई नहीं है। अभी शायरी को नहलाऊंगी, फिर धूप में बिठा दूंगी शायरी को। धूप आ रही है। और कल शायरी ने क्या करा था बता दूं? नहीं, आगे से ऐसा करना नहीं है, ठीक है? रेलिंग पे लटकना नहीं है, ठीक है? पहले आप क्या नहीं बताऊंगी, नहीं आप बोल दिया तो पता ही चल गया। पता ही चल गया, लेकिन रेलिंग पे लटकना नहीं है, ठीक है? पहले इसको यूं करके यूं करना पड़ता है कि इससे चीनी ना मिक्स हो रहा है। चलो अब आप जाओ अंदर, मैं आपके लिए बना के लाऊंगी, इसमें पानी चला गया। और इतने बनेगी हमारी चाय। चाय नाश्ता बच्चों ने कर लिया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ बर्तन धोने। सुबह के बर्तन तो मैंने मांझ लिए थे, अब ये नाश्ते के बर्तन है जो मैं मांझ रही हूँ। इसके बाद मैं मेथी काटूँगी और फिर उसको धो के फिर नीचे का मैंने सारा काम कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ छत पे छत साफ़ करने। बहुत दिन से मैंने छत साफ़ नहीं करी थी तो थोड़ी गंदी हो रही थी छत, इसलिए मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने यहाँ पे पूरी झाड़ू लगा ली, देखो कितना साफ़ कर दिया, इधर भी कूड़ा हो रहा था, इधर भी पूरे इधर भी कूड़ा हो रहा था। देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पूरी छत साफ कर दी है, मम्मा थोड़ा इधर भी रह रहा है इधर। अच्छा ये मिट्टी है ना, कलर पे दिखता भी तो नहीं है। सॉरी, शहर के बज रहे हैं 3:30 और काम अपना सारा हो चुका है। नीचे का काम करके मैं चली गई थी छत पे छत की सफाई करने और मेरी छत भी साफ हो चुकी है। सारा कूड़ा मैं एक कट्टे और बाल्टी में भर के आ गई हूँ, जब कूड़े वाले भैया आएंगे तो मैं वो कूड़ा उनको दे दूँगी और छत एकदम हमारी हो गई है क्लीन, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और गंदी छत होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता और पैरों में भी फिर कुछ कुछ चुभ जाता है। वहाँ ईंट पत्थर थोड़े पड़े हुए थे, वो भी मैं सारे कट्टे में भर के आ गई हूँ। और खाने में मैं बनाऊंगी आज आलू मेथी की सब्ज़ी, वो भी मैंने काट के रख रखी है। लेकिन बस मैं अभी नीचे आई हूँ और आके पहले मैं नहाई हूँ, लेकिन आज मैंने सर नहीं धोया है क्योंकि शाम भी हो गई है, अगर मैं शाम के टाइम सर धोऊंगी तो जुकाम भी हो सकता है, इस वजह से मैंने धोया नहीं है। और छत में झाड़ू लगा रही थी मैं,
तो धूल मिट्टी मेरे गले में भी गई है, तो थोड़ा मेरे को गले में दर्द सा लग रहा है। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी थोड़ी अदरक की चाय। चलिए बन गई है अपनी चाय अदरक वाली, और आइए और आप भी पीजिए। मम्मी के पास चलती हूँ और मम्मी से मिलवाती हूँ। मम्मी यहीं बैठी हुई है हॉल में, आज थोड़ी ठंड कम है तो मम्मी हॉल में बैठी है, नहीं तो मम्मी ठंड ठंड अंदर ही थी कमरे में। खाने में क्या बनाओ? खाने में लाया तो था रहा था आलू मेथी। आलू मेथी और प्याज आज मत डाली। लहसुन? हाँ वो डाल दी। लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर? टमाटर भुना। टमाटर भी नहीं, ऐसे सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, हल्दी मिर्च नमक? हाँ। आलू वही वाले लाए, छोटे वाले? छोटे वाले, हाँ तो सी अच्छी लगती आलू मेथी तो। हाँ छोटे छोटे से। शहरी ऊपर है, गुड्डू चाय पी रहा है। ना तो सब भूख लग रही है। पार्क में से आया ना, कुछ खा के ही नहीं गया था। चाय बिस्किट बता रहा था सुबह में मुझे कि तो घर चाय बिस्किट खाइए बस। हाँ अब लगी है भूख। अब कूदा पानी करी तो भूख लगी आई से। हाँ ये तो है। और ऊपर शाम को नखरे दिखाएगा खाते टाइम। हाँ करते आलू मेथी खा लेंगे वैसे, नहीं अच्छी लगती भूख में कुछ भी खा लेना सही है बस। पेट भरा चाहिए बच्चे का, अच्छा कोई भी हो। हाँ। भूख लग रही है, खाते अपने पेट हो जाएगा अपने। हाँ। रात को खाएगा अपने 10-11 बजे। हाँ। बस सोते भी तो देर से है फिर, ये देर से सोते हैं। अब स्कूल खुलने वाले 14 तारीख को खुल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। अच्छा। फिर सही टाइम टेबल हो जाएगा पहले की तरह, सवेरे का होगा तो। अब ये जब से लॉकडाउन लगा यही तो हुआ है, सबका ही टाइम टेबल खराब हुआ है। पापा आ गए ऑफिस से, और क्या लेके आए हैं? क्या लाए? चेक करो क्या है? बच्चों के लिए आ गई है चीज। ये केक रस गुड्डू है का फेवरेट, और ये देखो ये बिस्कुट है, बच्चों के पसंद के बिस्कुट लिए आए हैं। और मेरे लिए? तेरे लिए भी तो है, बच्चे खाएंगे तो नहीं खाएंगे? नहीं नहीं मैं तो नमकीन खाती हूँ ना, नमकीन भी इसमें फैल रहा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं चाय बना देती हूँ पापा के लिए, चाय बनाती हूँ। और वही टाइम हो रहा है, अभी 8-9 बजे आ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि ये मेरे पीछे लग रही है कि मुझे बाहर लेकर चलो, इसे कुछ लेके आना। क्या लेके आना? वो साइज में से टिक्की, वो पता नहीं भाई क्या क्या लेके आएगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम लोग को लेके जा रही है बाहर ये है टिक्की और कॉफी की जो, वो तो शॉप बंद है आज। आज नहीं खुलेंगे? नहीं आज नहीं खुली हुई, खुली है नहीं आज खुली हुई? आज नहीं खुली हुई, संडे है। अरे आज नहीं खुली हुई वो शॉप। चलो मैं लेके जाऊँ। चलो भाई चलते हैं, जरा ये परेशान कर दिया मुझे। मेरा पास्ता, ये मैगी और ये वाली और ये सॉस। मम्मा मेयोनीज भी डलती है बर्गर में, पर ये दूसरी वाली सॉस है। पहले मैं इस पास्ते को बना के खाऊंगी यूपी। और मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाना बनाने, और उसकी तैयारी मैंने कर ली है। सब्जी मैंने काट के रख रखी है यहाँ पर, और ये मैंने लहसुन इसको कूट रखा है मैंने, ये रहा लहसुन। और ये 4 हरी मिर्च मैंने काट रखी है। मम्मी कह रही है टमाटर नहीं डालना सब्जी में, टमाटर हटा ले, ये टमाटर लेके आ गई है अपने, टमाटर अपने नहीं डालना बस, हल्दी मिर्च नमक और अदरक लहसुन और लाल मिर्च ये सब डालनी है। मैं अपनी सब्जी के लिए डाली हूँ। आप भी अब सब्जी बनवाओगी?
नहीं। अपने गुड्डे गुड़िया की सब्जी? हाँ, तभी तो मैं छोटे छोटे लाई। ठीक है, ये एक टमाटर और एक आलू की सब्जी बनवाएगी किसके लिए? मेरे गुड्डे गुड़िया। अपने गुड्डे गुड़िया के लिए पहले मैं बड़ों का खाना बना लेती हूँ अपना सबका, फिर तेरे गुड्डे गुड़िया का बना दूंगी। ठीक है? नहीं, पहले आप एक काम करो, इस वाले गैस पे मेरी बना दो। ठीक है ठीक है, दोनों के साथ साथ बना दूंगी। पहले मैं ये वाली सब्जी छोक लेती हूँ। चलिए दिखाते हैं हम कि हम कैसे बनाते हैं मेथी, और चलिए स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है सरसों का तेल, और अब इसमें डाल लूंगी मैं थोड़ी सी हींग। उसके बाद मैं इसमें आलू डाल के हल्के से फ्राई कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मेथी, और आलूओं में ही मैं नमक मिला दूंगी फ्राई करते समय। और मेथी डालने के बाद मैं उसमें डाल दूंगी मसाले, अदरक लहसुन डाल दूंगी उसके अंदर, और हरी मिर्च डाल दूंगी उसके अंदर, और पानी हल्का सा ही डालूंगी मैं, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ये सब्जी थोड़ा फ्राई करने में ही हो जाती है। तो चलिए अब बन गई है हमारी टेस्टी आलू मेथी की सब्जी, और अब मैं दे देती हूँ खाना। खाना बन गया है हमारा, और चलती हूँ इसके पापा को देने के लिए। और शहरी तो खा ही रही है, इसके पापा को भी दे देती हूँ खाना। एक चम्मच दे देना। ठीक है, खाना हम खा चुके हैं, और अभी हो गया एक सीन। क्या हो रहा है कि हम मोटर को जब चला रहे हैं, टंकी भर नहीं पा रही है, और उसकी बैल अपना बदलिया लगता है इन बच्चों ने कुछ तार को हिला दिया, इसलिए नहीं। फिर कितने करा था? मैं तो गई नहीं छत पे। तुम नहीं गई? चलो मैं देखता हूँ जाकर क्या पंगा हुआ है। मैं भी चलूं। भाई चलते हैं ऊपर। चलो, जैसे ही मोटर चलाते हैं टंकी भर नहीं पाती है, और ये बैल बजने लग जाती है। अब चलते हैं, तो यहाँ से तो तार सब ठीक है, ऊपर चल के देखते हैं कोई पंगा तो नहीं हुआ। आ गए हम छत पे, और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ये टंकी हमारी। क्या प्रॉब्लम हो गई टंकी में? तार तो ठीक है यार। ओए करंट आ रहा है? ये धुआं धुआं कहाँ से आ रहा है? टंकी तो आधी भरी हुई है। तार ठीक है? तार तो ठीक है। फिर मैं तो घुसाओगे अंदर? नहीं नहीं, इसमें हम नहीं घुसाओगे। उन बहन जी की आवाज तो खराब नहीं हो गई? पानी की टंकी भर गई है, बंद कर दीजिए। नहीं, चलो चलते हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है 10:30। अब आके हम लेट चुके हैं, खाना भी खा लेते हैं। मैं ऊपर गया था, मोटर खराब थी, वो भी ठीक हो चुकी है। और भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गुड्डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Thank you.